मईशत के हवाले से इक्तिसादियत के हवाले से जो मसाइल है वो खत्म हो जाएंगे और इस यूनियन टेरिटरी में एक नया इंकलाब आ जाएगा, तरक्की को एक नया रुख मिल जाएगा, इसी यही सोच कर हम अपने किसी कैंडिडेट को वोट दे देंगे। जी 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 जी, तो आप बता दीजिए, आप यंग है तो क्या सोच के आज लंगेट वोट डाल रहा है? जी इसी वजह से डाल रहे हैं कि डेवलपमेंट ही हो, जो एम्प्लॉयमेंट है उसका तो कोई हमें मतलब वो मामला है ही नहीं, कि कोई उम्मीद है ही नहीं, तो हम यही चाहते हैं कि डेवलपमेंट ही हो, चाहे जो काम ये कर सके तो वही कम से कम कर ले। अच्छा, जो काम ये कर सके, तो क्या सोचो था जो हर्ष वोट त्रावा वो जुनैद साहब को? जी जी, नाम नहीं बताए, नाम नहीं बताए। जी 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 सर, आप बताएं क्या किस क्या सोच के वोट डाल रहे हैं? सर ओनली डेवलपमेंट। अच्छा, डेवलपमेंट आपके जहन में? सर डेवलपमेंट के लिए। अच्छा, डेवलपमेंट। फिलहाल जिन लोगों से भी हमने बात की यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो लोग, ये ख्वातीन आप देख सकते हैं, ख्वातीन भी वोट डालने के लिए आई है और अपने बच्चों को भी ये कहीं ना कहीं इस जमहूरी अमल में, जो हमारे मुल्क का निज़ाम है, उस मुल्क के जमहूरी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे वोट डालने के लिए यहाँ पे कैंडिडेट भी, खुर्शीद साहब भी इस वक्त आ रहे हैं और आप देख सकते हैं ये AIP के कैंडिडेट हैं। खुर्शीद साहब, आप अगर हमारे साथ बात करें, खुर्शीद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल आपसे। खुर्शीद साहब आप ठीक हैं? अच्छे से। तो सबसे पहले आपको मुबारक और आपके साथ साथ जो बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको भी मुबारक। खुर्शीद साहब, आज आप भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो क्या देखा आपने लोगों में? नहीं, लोगों में एक जोश है, एक जज्बा है, आपने खुद देखा होगा जैसे पार्लियामेंट इलेक्शन में है, तो उसी चीज को हम फॉरवर्ड कैरी कर रहे हैं और इंशाल्लाह रहमान एक अच्छे मार्जिन से हम जीतेंगे, ना सिर्फ लंगेट में बल्कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के साथ साथ जो नॉर्थ कश्मीर की जो 16 सीटें हैं उन पे इंशाल्लाह एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। तो लोगों को क्या उम्मीद है, क्या एक्सपेक्ट, जो आपने पढ़ा, चूंकि आपने रिजाइन दिया अपनी नौकरी से, अब आप सियासत में आ रहे हैं, तो आपने क्या पढ़ा, लोगों से लोग क्या सोच रहे हैं? नहीं, लोग वही सोच रहे हैं कि जो BJP ने यहाँ जुल्म जबर किया, जो ज्यादती उन्होंने की और जो क्रिमिनल साइलेंस यहाँ पे इख्तियार की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, या जो उनके कोलाबरेटर्स थे इस्तेसाल में पीपल्स कॉन्फ्रेंस, तो उसी के खिलाफ गम गुस्सा है लोगों में और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ना सिर्फ हम इस चीज़ को ख़त्म करेंगे बल्कि एक डेवलपमेंटल और एक अच्छी अल्टरनेट सरकार देंगे। तो आपने वोट डाला? जी, मैंने अपना वोट कास्ट किया। जी जी, थोड़ा सा दिखाया। जी जी, तो खुर्शीद साहब, सबसे बड़ी बात है कि लंगेट के साथ साथ बाकी सीटों पर भी आप लड़ रहे हैं, तो आपको क्या लगा ओवरऑल? कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है कि इंजीनियर रशीद साहब के हवाले से बहुत सारी पार्टीज ने टैगिंग भी उनकी की, BJP का टैग लगा उनको, बाकी चीजों का टैग लगाया गया, आपने खुद भी देखा। किसने टैगिंग की? नेशनल कॉन्फ्रेंस ने टैगिंग की, जिस नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इस वक्त उमर अब्दुल्ला है वो कैबिनेट मिनिस्टर था नेशनल, ये BJP NC जो कोएलिशन सरकार थी NDA में, तो PDP अभी तो जुमा 8 दिन भी नहीं हुए उनका जो BJP के साथ नाता टूटे, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो तो इस वक्त भी BJP ही है, अपनी पार्टी BJP, हर कोई BJP है यहाँ एक्सेप्ट अवामी इत्तेहाद पार्टी, उनके पास अब बचा कुछ नहीं है, अब किसी चीज़ के ऊपर वो मतलब सियासत नहीं कर सकते हैं, बस उन्हें लगा कि बस अब BJP का ये टैग दे के हम इंजीनियर ऋषि साहब को आगे बढ़ने नहीं दिए, लेकिन लोग अब होशियार हैं, लोगों को पता है, आप इस वक्त देख लीजिए इस कैसे मतलब ये चीज़ों को मैनेज किया जा रहा है, आप कल देख लीजिए यहाँ पे एक फेक वीडियो बनाया गया, वहाँ कोई कौन सा फेक मुझे नहीं पता, जो अबरार का बोला वहाँ, तो हमने इलेक्शन कमीशन की नोट्स में लाया, एडमिनिस्ट्रेशन की नोट्स में लाया, तो कोई कुछ कोई, ऐसा कोई, कुछ था अबरार, अगर होता तो FIR नहीं होता, कोई क्लेरिफिकेशन नहीं आई इस वक्त, मतलब वीडियो में क्या था मुझे नहीं पता, वो आप खुद देख लीजिए वीडियो, कहीं किसी ने उठाया था कि यहाँ पे जो है अबरार को अरेस्ट किया जबकि उस वीडियो में था ही नहीं कोई, उस वीडियो में कोई था ही नहीं, ऐसे ही फेक बनाया गया। अच्छा। तो उस चीज़ के मैं तो आपके माध्यम से भी अपने SP साहब को, जो SHO कंसर्नड है वहाँ, उनको भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चीज़ का कॉग्निजेंस ले लीजिए, आप जो मोटो कॉग्निजेंस ले लीजिए और क्लेरिफिकेशन एटलीस्ट आप इशू कीजिए इस बारे में कि ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, क्योंकि एक फ़र्ज़ बनता है इस वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को और हमारी जो यहाँ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि अपोजिशन के पास कुछ बचा नहीं, आप सिर्फ प्रोपेगेंडा, आप सिर्फ अफवाहें, बस इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो मुनहसर हैं।
तो खुर्शीद साहब एक आखिरी सवाल, आप नाराज भी हो जाएंगे सुगरा को लेके, क्यों? नहीं 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 बिल्कुल नहीं, सुगरा को लेके कहीं ना कहीं सुगरा बरकती के बच्चों को लेके आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म उठाना पड़ा, आपके चैनल के थ्रू ज्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, अदरवाइज वो आप 8 तारीख को देखेंगे इंशाल्लाह रहमान, क्योंकि लोगों में कोई क्रिटिसिज्म नहीं था। एंड सेकंडली मैं आपको शायद साहब मैं आपको, हम एक पोलिटिकल पार्टी है, आप मेरी बात आराम से, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं। अगर सुगरा बरकाती को, अगर बरकाती साहब को इलेक्शन कंटेस्ट करना था, हमने कंटेस्ट किया था 1 महीना पहले, हमें लीगल पैरामीटर्स मालूम थे, हमें मालूम था कि कैसे जो है वो कंटेस्ट कर सकते हैं, उनको चाहिए था कि वो हमारे पास आते, पार्टी को अप्रोच करते, शायद हम लीगली बेस्ट गाइड कर सकते थे और उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो है, उनकी होम कॉन्स्टिट्यूएंसी, वहाँ से उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होता अगर वो हमारे साथ लीगली, अगर वो हमारे साथ कंसल्ट करते। उन्होंने ऐसा नहीं किया, फिर जब उनका फॉर्म वहाँ से रिजेक्ट हो गया, उसके बाद उन्होंने सेंट्रल कश्मीर से फॉर्म भरा, उन्होंने पार्टी जो है आपके कैंडिडेट ने भरवाया ना, आपके कैंडिडेट ने भरा, आदिल नजीर खान, आपके आदिल नजीर खान उस वक्त कैंडिडेट हमारे नहीं थे ऑन ह्यूमेटेरियन ग्राउंड्स, वो उस वक्त उनके साथ थे। सेकंडली जो उन्होंने उस वक्त जहां पे भी उन्होंने फॉर्म भरा, उन्होंने हमारे साथ कोई मशवरा नहीं किया, हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप खुद समझ सकते हैं, अगर उन्हें कंटेस्ट करना था, उनको चाहिए था कि वो हमारे ऑफिस आते, अप्रोच करते, इंजीनियर रशीद साहब के साथ अप्रोच, उसके बरकस उन्होंने क्या किया, 11 तारीख को आए, आपने भी उनको उस दिन असिस्ट किया, हमारे घर पहुंचे, हमने खबर बनाई, काइंडली काइंडली नहीं, वही क्यों खबर बनी, यहाँ जब मैं फॉर्म भरा था, उमर अब्दुल्ला की तरह टारगेट मत करिए मीडिया को देखिए, हमने खबर बनाई, हमने खबर बनाई, तो आपको कैसे मालूम था कि वहाँ खबर बनेगी लास्ट, हम ऑब्वियसली हमें फोन किया गया, हमें फोन किया गया 100 किलोमीटर, यहाँ खबर नहीं थी, जिस वक्त 5,000 लोग यहाँ हमारे साथ थे, जो हमारा नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए यहाँ लोग थे, उसकी कवरेज आपने क्यों नहीं दी। सेकंडली नहीं, अब मुझे उन चीजों में आपके साथ मतलब ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा है, मेरे कहने का ये मतलब है, विश यू ऑल द बेस्ट अलोंग विद अदर्स, वैसा कुछ भी नहीं, प्लीज प्लीज, मैं जाती तौर आपके साथ कोई रंजिश नहीं, मैं भी वही चीज कह रहा हूँ, जमहूरियत में सब कुछ जो है, आप भी एक जमहूरियत का एक चौथा पिलर है आप, मीडिया, मेरे कहने का ये मतलब है कि जिस वक्त वो वहां आए इंजीनियर रशीद साहब, आप चेक कर लीजिए, आपके ही पोर्टल पे होगा, 11 तारीख को सुगरा बरकाती हमारे घर आई, कितने बजे आई, 2 बजे हम यहां नॉमिनेशन फॉर्म भर रहे थे, मैं घर पे नहीं था, आप कवर कर रहे थे वहां पे, अबरार असरार इंजीनियर साहब वो दिल्ली में थे, हमारे वालिद साहब वो हॉस्पिटल में थे, आप बताइए, अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए, आप खुदा के खौफ से डरिए, आप भी हम भी, क्या हमारे घर में हमारा कोई फैमिली मेंबर उस वक्त था, फर्स्ट फैमिली मेंबर, आप ही बताइए, हाँ कोई नहीं, कर सकते हैं, देखिए आप पहले उस चीज का आपने चलाया उस वक्त की हमारी फैमिली की वजह से जो है सुगरा को उस वक्त ह्यूमिलेशन हुई, आप बताइए, मैंने नहीं, उन्होंने बोला, सुगरा ने आपके चैनल के ऊपर, चैनल ऑब्वियसली चैनल तो कोई भी हो, लेकिन चलाना, मैं अगर इस वक्त यहाँ अभी कुछ कहूँ, किसी के खिलाफ भी कहूँ, तो क्या आप चैनल पे वो चलाएंगे, नहीं चलाएंगे, जब आपने उमर अब्दुल्ला के खिलाफ बोला, हमने चलाया, आपने महबूबा मुफ्ती के खिलाफ, अनवेरीफाइड तो नहीं बताएंगे, मैं बताऊंगा कि मुझे किसी ने गाली दी, मैं बताऊंगी किसी ने मुझे हेरासमेंट की, किसी ने मुझे मारा, क्या जब तक वेरीफाई नहीं होगा, पॉलिटिकल स्टेटमेंट और जो पर्सनल स्टेटमेंट होता है उसमें आसमान और जमीन का फर्क है। नहीं, आपको देखिए आपको उन बच्चों पे कहीं ना कहीं लोग जो कह रहे हैं उन पे हाथ रखना, हम हाथ रखते, लेकिन वो जब वो एलिजिबल ही नहीं थे, वो पॉलिटिकली जो उनके साथ जो लोग थे, जो 2-3 एजेंट उनके साथ थे, जो उनको चाहिए था कि सिविल सोसाइटी के साथ अपने उनके जो इमीडिएट जो फर्स्ट रिलेशन उनकी है, उनके अंकल मैटरनल अंकल, उनके साथ वो आते, या वहाँ की जो लोकल जो सिविल सोसाइटी है उनके साथ में आते और पार्टी के हेड ऑफिस जाते, वहाँ पे वो रिक्वेस्ट करते या मतलब सजेस्ट करते कि हम जो है हम कंटेस्ट करना चाहते, हम देख लेते कि बेस्ट कहाँ रहता, क्योंकि पोलिटिकल एक्सपीरियंस हमें था। बरकाती साहब के बाद उसके बाद कैंपेन क्यों किया आपने खिलाफ उनके, कुछ नहीं, देखिए रशीद साहब गए, अबरार साहब गए, किसी कैंडिडेट ने जाती तौर जो है किसी कैंडिडेट ने उनके खिलाफ कुछ बोला होगा, रशीद साहब ने कुछ नहीं कहा उनके खिलाफ, आप चेक कर लीजिए, अबरार ने कुछ नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं कहा, इवन मैं इस वक्त भी गया था कि अगर वो हमें अप्रोच करते फॉर्मली अगर वो अप्रोच करते, मैंने थ्रू मीडिया उनको ये मैसेज भी भेजी, आप हंदवाड़ा टाइम्स जो है आतिफ कुईम उसके पोर्टल पर चेक कर लीजिए, इलेक्शन से 5 दिन पहले मैंने उस वक्त भी कहा कि अगर वो फॉर्मली विदाउट दोज एजेंट्स जो उनके साथ में होते थे, अगर वो पार्टी को अप्रोच करते हैं, शायद हम सोचेंगे कि हम उनको सपोर्ट करें। सेकंडली जो आपने कहा कि मैंने 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 मजम्मत भी की, ऑल्दो मुझे पता नहीं है कि क्या पर्सनली उनके खिलाफ किसी ने कोई जाती कमेंट किया, अगर किसी ने कहा होगा, अगर किसी ने उनके खिलाफ कोई कमेंट किया होगा, वो अवामी इत्तेहाद पार्टी का अगर कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन भी होगा, मुझे इसमें कोई हेजिटेशन नहीं है कि मैं कंडम करता हूं, मैं उस चीज के खिलाफ हूं, अगर कोई किसी के भी खिलाफ कोई जाती कमेंट करे, मैं तो ये कहता हूं कि सियासत होनी चाहिए और एक अच्छे तरीके से होनी चाहिए। मैं इस वक्त लंगेट में हूं, यहां पर इस वक्त एक दो कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं, आप देख लीजिए,
हम एक फ्रेंडली माहौल में है इस वक्त है, क्योंकि नहीं होना भी चाहिए। हाँ। तो हमारी चैनल से भागते क्यों है? मैं नहीं भागा अगर मैं भागता नहीं चाहिए। नहीं, आप खुद वो देख लीजिए कि हमें क्यों भागना पड़ रहा है आपकी चैनल की, आपकी कैमरे से। नहीं, बिल्कुल नहीं डरते हैं हम। आप कोई भी सवाल कर लीजिए, ओपन सवाल, हमारे कोई सिक्रिप्टेड होते ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ शायद लाइव भी चल रहा होगा इस वक्त, आप हाँ लाइव चल रहा है ना, तो मुझे कोई हेजिटेशन नहीं है। हमारे पास कुछ छुपाने को है नहीं। आपको अभी जो बंदा 6 साल जिसको मोदी ने और अमित शाह ने यहाँ से लेके दिल्ली तक 45 डिग्रीज में जिसको विक्टिमाइज किया, जिसको टॉर्चर किया, वो क्या 5.5 साल वो क्या डरेगा किसी न्यूज चैनल से? हमारे पास ना कुछ छुपाने के लिए ना कुछ। खुर्शीद साहब, लोग कहते हैं, लोगों का फीडबैक मैं आपको कहता हूँ, रशीद साहब अगर जेल से निकले थे, अगर वो इस तरह से कहते कि उमर साहब, महबूबा जी, सज्जाद साहब, अल्ताफ बुखारी साहब, जो भी सियासतदान है आए, हम लाल चौक में बैठे, हमारा दर्द एक है, हमारा दुख एक है, तो लेकिन इंजीनियर साहब ने जो लैंग्वेज यूज की लैंग्वेज बड़े, वही आपने बहुत अच्छी बात की। जिस वक्त आगा रूला साहब लेटर लिखते हैं कि पोलिटिकल प्रिजनर को आप रिलीज कीजिए, वो एक एमपी थे, शायद बेस्ट रहता, अच्छा रहता, एक गुडविल जेस्टर। अगर रूला साहब तिहाड़ जेल के बाहर होते जिस वक्त इंजीनियर साहब, वो उसको चाहिए था कि वो उस वक्त उसको रिलीज, इमीडिएटली आफ्टर रिलीज ऑफ इंजीनियर रशीद, एनसी को, पीडीपी को और दूसरी पार्टियों को चाहिए था कि वो वेलकम स्टेटमेंट डालते। आप खुद देख लीजिए कि जिस इंडिया अलायंस के इस वक्त उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जिस इंडिया अलायंस के मेंबर्स हैं, उस इंडिया अलायंस के अलायंस उनके एजेंडा आप अलायंस में कहीं 370-35A कश्मीरियों के लिए कोई चीज है ही नहीं। आपको लग रहा है नहीं लाएंगे वो वापस पावर? मैं कहता हूं अगर वो लाएंगे तो आई विल बी द हैप्पीएस्ट मैन। और मैं सबसे पहले अगर मैं असेंबली में जाता हूँ खुदा के फजल करम से और इन लोगों की मदद से, तो मैं असेंबली में सबसे पहला मेंबर हूँ जो उनको सपोर्ट करेगा इस चीज के लिए। हम अपोज नहीं करेंगे फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जिस वक्त उमर साहब ने, महबूबा जी ने, जिस इंडिया एयरलाइंस के वो पार्टनर हैं, उस इंडिया एयरलाइंस के एक मेंबर अरविंद केजरीवाल को जिस वक्त बेल मिलती है तो उस वक्त वेलकम। इंजीनियर रशीद साहब जब बाहर आ गए तो उसके ऊपर सवाल आते, तो उसके बाद क्या इंजीनियर रशीद साहब उनका लिहाज देखते? उनको तो एक्सपोज कर। इंजीनियर रशीद साहब 5 साल जेल में रहे थे, उनको बड़े दिल का मुजाहिरा करना। चले बड़े दिल का उन्होंने ये मुजाहिरा किया कि उमर साहब 3 महीने सेंटूर होटल में 1.5 करोड़ की बिल पे वहां गेस्ट हाउस में रहे, लेकिन जिस वक्त वो बाहर आ गए एक फेक पोस्टिंग करके दाढ़ी शाड़ी उन्होंने बड़ी रखी। इंजीनियर ऋषि साहब ने बड़े दिल का ये मुजाहिरा किया कि वो वहां से जब बाहर निकले उन्होंने कोई फेक पोस्टिंग नहीं की, वो एक लीडर की तरह बाहर निकले। और बड़े दिल का मुजाहिरा उन्होंने ये किया कि अपने एलिंग पेरेंट्स को या जो हमारे फैमिली में जो डेथ्स हुई थी वहां कंडोलेंस के लिए भी वो 10 दिन के बाद पहुंचे, लेकिन तब तक उन्होंने लोगों का शुक्रिया अदा किया। ये बड़े दिल का मुजाहिरा होता है। फादर साहब ठीक हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। अभी हॉस्पिटल में नहीं, अभी आए हैं वोट डालने के लिए आए हैं। थैंक यू वेरी मच। हम आपकी चैनल से कभी नहीं भागेंगे, लेकिन हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इन नौजवानों का आप ख्याल रख लीजिए, एटलीस्ट आप बिल्कुल न्यूट्रली आप जो है अपना काम कीजिए। हमें आपसे भागना नहीं पड़ेगा अगर आप न्यूट्रली काम करेंगे, और मुझे उम्मीद है कि ये भी आप चलाएंगे। ठीक है, हम आपकी चैनल से नहीं भागेंगे, लेकिन आप नौजवानों के जो जज्बात है उनका ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ बात कर रहे थे शेख खुर्शीद, जो कहीं ना कहीं कैंडिडेट हैं पीपल, माफ कीजिएगा, इंजीनियर रशीद साहब की जमात के, यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी से इनका ताल्लुक है। तो आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए लोग आए हैं वोट डालने के लिए और कहीं ना कहीं अपने हक का इस्तेमाल करने के लिए लोग जो हैं वो आज जोग दर जोग लंगेट से निकले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कश्मीर क्राउन देखने के लिए।